मैं आपको अब सीधे ले चलते हैं जगन्नाथ महतो के पैतृक गांव, जहां उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। और लाइव चैट पे जो है हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़े हुए हैं। भंडारी दाग के दामोदर नदी का किनारा, जहां पर सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया है। और समर्थकों की भीड़ देखिए, उनके चाहने वालों की भीड़ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे जगन्नाथ महतो ने अपने नेतृत्व काल में, अपने विधायक काल में कुछ कमाया है, तो यही शख्स कमाया है। मैं करीब जाकर दिखाने की कोशिश करता हूं कि कितनी ज्यादा यहां भीड़ है। और उसके पास देखेंगे, इस पुल का नाम क्या है सर? दामोदर नदी पुल देखेंगे। जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको लोग दिखाई पड़ेंगे। सीधा कैमरा फोकस कीजिए देवाशीष, उस जगह पर पंच तत्व में विलीन होते हुए सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, भावुक क्षण, पूरी तरह से भावुक क्षण, और दिल को कहीं ना कहीं कह सकते हैं ऐसा क्षण शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि इतनी जल्दी ये सब देखने को मिलेगा। पंच तत्व में विलीन होते हुए सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग नम आंखों से जगन्नाथ महतो को अंतिम विदाई देते हुए अद्भुत कह सकते हैं कि इस क्षण को देखने के लिए शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये पल भी देखना होगा, लेकिन शायद नियति को यही मंजूर था। और तमाम लोग इस वक्त दामोदर नदी घाट के पास, जो कि बेरमो में है, पूरी तरह से जगन्नाथ महतो को अंतिम विदाई देते हुए तमाम लोगों की आंखें नम है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सीधे कैमरा दिखाते रहिए, क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो झारखंड के आवाज थे और हम लोगों को आज बहुत दुख है कि आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनके आवाज हमको नहीं लगता कि झारखंड में कोई पूरा कर सकते हैं। पूरी तरह से लोग यहाँ पे मौजूद है। आरती ये तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा किनारे हो जाएंगे। कई ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद है। सीधी तस्वीर सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर इस पंच तत्व में विलीन हो गया। पृथ्वी, अग्नि, धरती, हवा, जल, कहा जाता है कि किसे कब धरती पर आना है ईश्वर तय करता है, कब किसे इस धरती से विदा होना है ईश्वर तय करता है। और कई देखे जगन्नाथ महतो का, कई लोग उनकी चिता के सामने भी तस्वीर ले रहे हैं। उनके प्रति मुहब्बत है, उनके प्रति प्यार है, उनके प्रति समर्पण दिखाने की एक कोशिश है। पूरी तरह से इस वक्त जहां जहां नजर दौड़ाएंगे चारों तरफ आपको उनके समर्थक नजर आएंगे। तो कैमरा को उठाकर दिखा देंगे जिससे कि तस्वीर आपको साफ दिखाई पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं और कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ लोगों की भीड़, समर्थकों की भीड़। और बीच बीच में जगन्नाथ महतो अमर रहे का नारा भी लगातार लोग लगा रहे हैं। जगन्नाथ महतो अमर रहे चांद रहेगा, जगन्नाथ महतो का नाम रहेगा। ये नारा यहाँ के आकाश में, यहाँ की फिजा में गूंज रहा है। और जगन्नाथ महतो चिर निंद्रा में सोने के बाद उस तत्व में मिल गए जिस तत्व से शरीर का निर्माण होता है। पांच तत्वों से शरीर का निर्माण होता है। और देखेंगे न्यूज 11 का क्रेज, इनको मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि इस जगह पर भी न्यूज 11 की टीम को वही प्यार, वही मोहब्बत लोग दे रहे हैं जो राजधानी रांची, धनबाद में, जमशेदपुर में, जब फुसरो में आ रहा था, बेरमो आ रहा था। आरती तो आपको ताजुब होगा, जगह जगह लोग न्यूज 11 की तारीफ करते हुए दिखाई पड़े। मैं यही कहूंगा कि ईश्वर जगन्नाथ महतो की आत्मा को शांति दे और ऐसे अपने चरणों में स्थान दे,
स्वर्ग इन्हें प्राप्त हो, यही कामना है न्यूज 11 की टीम से। तो सीधी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, पूरा फोकस कर दे देवाशीष, ताकि ये लगे कि कैसे जगन्नाथ मातो चीर निंद्रा में सोने के बाद उस लोक की यात्रा पर निकल गए हैं, जिस लोक की यात्रा के बारे में कहा जाता है कि वहां से कोई वापस नहीं लौटता। जगन्नाथ मातो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी यादें बची हुई हैं, उनकी स्मृतियां शेष है, और इस वक्त सिर्फ यही कहा जा सकता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जगन्नाथ मातो को अपने चरण में स्थान दे आरती। बहुत शुक्रिया जलाल हमारे दर्शकों को जगन्नाथ मातो की ये अंतिम विदाई दिखाने के लिए। एक वाक थ्रू कर दिए, रिकॉर्डिंग में डाल जल्दी से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।